नमस्कार, आप देख रहे हैं राम का न्यू न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। सांवलिया सेठ के दर्शनों के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से जा घुसी, जिसके चलते हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 18 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार मच गई। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 1 ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। राहगीरों ने अपने निजी वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर और SP दोनों अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी यात्री शनिवार सुबह करीब 4 बजे बस में सवार होकर भगवान सांवलिया सेठ के दर्शनों के लिए निकले थे। इसी दौरान श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसके चलते बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और बस में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 1 ने अस्पताल में दम तोड़ा। जानकारी के अनुसार सभी यात्री शनिवार सुबह करीब 4 बजे चित्तौड़गढ़ में शनि महाराज और सांवलिया जी के दर्शनों के लिए निकले थे। अपने गांव सुहागपुरा से निकलने के बाद 2 किलोमीटर दूर कचोटिया गांव में प्रतापगढ़ बांसवाड़ा NH56 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। बस में 41 यात्री सवार थे। नाथूलाल मीणा उम्र 60 वर्ष, रूपलाल मीणा उम्र 45 वर्ष, हीरालाल उम्र 50 वर्ष एवं गोपाल मीणा उम्र 62 वर्ष की इस दर्दनाक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई, वहीं 18 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर इंद्रजीत यादव, SP अमित कुमार जिला अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज को लेकर चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है, वहीं यात्रियों से भी जानकारी जुटा रही है। गांव में मातमी माहौल है और रह रहकर चीख पुकार सुनाई दे रही है। गांव वालों को यकीन नहीं हो रहा कि जिन लोगों को धार्मिक यात्रा के लिए थोड़ी देर पहले रवाना किया था, उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई।